बेगूसराय के दिनकर कला भवन सभागार में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर 100 दिव्यांग बच्चों को श्रवण यंत्र, ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर आदि समर्पित किया तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि दिव्यांग जन भी सभी चीज के अधिकारी होते हैं, उनका भी सामाजिक विकास में योगदान रहता है। आज का यह दिवस हमें चिंतन करने का अवसर देता है कि दिव्यांगों के लिए क्या कर सकते हैं। सभी लोग सोचें और विचार करें कि दिव्यांगजनों के हित में क्या कर सकते हैं। हम सभी दिव्यांगजनों की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। समाज के विकास में आम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि दिव्यांगजनों का मदद करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। समाज में देखने को मिलता है कि दिव्यांग व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये गलत है। हम लोगों का कर्तव्य है कि दिव्यांगजनों की क्षमता को समझें और इसकी सही इस्तेमाल करें, उन्हें हीन भावना से ना देखें। दिव्यांगजनों की शिकायत रहती है कि उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। गुरुवार के दिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पताल में कैंप लगते हैं। अब सभी प्रखंडों में भी जाकर दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना बेगूसराय द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। तकरीबन 100 बच्चों को, 100 दिव्यांग बच्चों को उनके तहत जो उपकरण थे उनको उपलब्ध कराया गया। व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया, ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया गया, हियरिंग एड्स की डिवाइस उपलब्ध कराई गई, जो दृष्टि बाधित बच्चे थे उनको भी डिवाइसेज उपलब्ध कराई गई, किट उपलब्ध कराई गई है। और हालांकि निर्देश दिया गया है कि और भी बच्चों को चिन्हित करें और जो बच्चे हुए उन सभी को ये उपकरण है आवश्यक आवश्यकतानुसार उसको उपलब्ध करवाएं। साथ ही साथ इस अवसर पे सभी लोगों ने चर्चा भी की, एक ऐसा दिवस है कि न केवल अधिकारियों को बल्कि सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें कि किस तरीके से हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों के साथ संवेदनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए, उनका अपने फुल पोटेंशियल को ग्रो कर सकें, अपने जीवन में विकास कर सकें, समाज और देश के विकास में सहयोग कर सकें, किस तरीके से लोग कर सकें, इस पर भी हम लोगों का व्यवहार उसी तरह रखना चाहिए, उनको पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी पदाधिकारी इसमें और संवेदनशील होकर और हमारे बेगूसराय के जिले के निवासी और सब संवेदनशील हैं, इस दिशा में आगे अच्छा काम करते रहेंगे।